हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेरियागो टैबलेट के बारे में। लेरियागो डीएस ये क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में, इसका पूरा डोज, कहां कहां इस्तेमाल करना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए लेरियागो की, तो लेरियागो एक कंपनी का ब्रांड नेम है, ठीक है ना। तो इसके नाम से आप, इसके अंदर बेसिकली क्या क्लोरोक्विन ही है, तो आपको दूसरा ब्रांड भी मिल जाएगा, तो वही सेम चीज़ है, होना चाहिए क्या क्लोरोक्विन। तो यहाँ पे इपका कंपनी है, उसका एक ब्रांड है, काफ़ी सस्ता टैबलेट है, 10-12 रुपए का पत्ता आता है लेरियागो का, ठीक है। तो अभी क्या है बात, पहले आप ये समझ लो, थोड़ी आसानी होगी आपको। देखो भाई, लेरियागो मतलब क्लोरोक्विन, लेरियागो डीएस मतलब कि डबल स्ट्रेंथ में। यहाँ पे क्लोरोक्विन जो है 250 मिलीग्राम है, तो यहाँ पे उसको डबल कर दिया गया, इसलिए इसका नाम है डीएस, तो ये 500 मिलीग्राम है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं। अगर इसको क्लोरोक्विन को अपन अगर हाइड्रोक्सी बना दें, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गई, आ गया कोरोना, मतलब कि HCQS के नाम से टैबलेट आता है मार्केट में, वो अलग चीज़ हो जाती है। हालांकि वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन जो लेरियागो है जिसके अंदर क्लोरोक्विन है, जो डबल स्ट्रेंथ में मान लो, चाहे 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम, ये दोनों के दोनों एंटी मलेरियल ड्रग हैं, काफ़ी पुराने हैं, सबसे बेस्ट रहे हैं अभी तक। मतलब कि इनिशियल मलेरिया किसी को होगा तो लेरियागो दे दो, वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा है तो उसको आप डीएस दे दो, सीधी सी बात है, डबल स्ट्रेंथ मतलब कि जो एक बार का डोज है आप एक ही बार में दे दो, तो डीएस हो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब बात करेंगे ये लेरियागो के अंदर क्या पाया जाता, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कि मलेरिया पैरासाइट मतलब कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फैल्सिफेरम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, फैल्सिफेरम के लिए दूसरा आता है, उसमें भी ये काम कर सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो मच्छर के काटने से जो पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, उस कंडीशन में देंगे। अभी बात आती है कि कहाँ कहाँ दे सकते हो, नॉर्मली मलेरिया हो, कोई भी मलेरिया कंडीशन होती है उसमें देते हैं इसको। अभी बात आते हैं कि भाई ये काम कैसे करता, भाई RBC के अंदर प्लाज्मोडियम का वाइवैक्स जो होता है पैरासाइट, वो पहुंच जाता है भाई लीवर के अंदर, गया मच्छर ने काट लिया और वो उसने अपना पैरासाइट छोड़ दिया और वो लीवर पे पहुंचा और धीरे धीरे पूरे ब्लड में मिक्स हो जाता है, मतलब ब्लड में बढ़ जाता है, जो है गैमेटोसाइट बना के वो अपनी तादाद को बढ़ा लेता है। अभी क्या होता है, हर एक RBC के ऊपर ये पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, क्लोरोक्विन ये बेसिकली क्या है, उसके RBC पे जाके उसको ख़त्म कर देता है, बेसिकली ख़त्म ही कर देता है। इसके ज़्यादा मोड ऑफ एक्शन डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अभी और कभी देखेंगे उसको, वीडियो को, मोड ऑफ एक्शन को, तो आप इतना समझ लो कि RBC पे जाके ये उसको ख़त्म करता है, ठीक है। जब ख़त्म हो जाता है ये पैरासाइट, तो मलेरिया आदमी का हो जाता है, ठीक। तो ये होता है दोस्तों क्लोरोक्विन, जो कि लेरियागो के नाम से मार्केट में मिल जाता है। अब बात करें कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। देखो भाई, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, उनकी तुलना में थोड़ी हैवी मानी जाती है, मतलब कि इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी तो हमेशा बरतना ही पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हो सकता है भाई कि किसी को अगर हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो उसको मत देना कभी भूल से भी, ठीक है। किसी को सांस लेने में तकलीफ होती रहती है, कभी कभी ऐसी समस्या डेवलप हो जाती है, उसको नहीं दे सकते। किसी को एंजाइटी या टेंशन में रहता है आदमी, 24 घंटे बैठ रहता है, उसको नहीं दे सकते, दूसरा एंटी मलेरियल ड्रग देना होगा। यहाँ पे किसी को लीवर की समस्या है, नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना। बट हाँ, कंडीशन अगर वो डिपेंड करता है गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर कि क्या ट्राइमेस्टर चल रहा है, कितना उसका बॉडी वेट है, क्या है सिचुएशन, कर सकती है, बट अपन को नहीं करना। गायनेकोलॉजिस्ट को बोलो, वो चेक करेगी, वो यूज़ करेगी, ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग में दिया जा सकता है। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, ड्राइविंग नहीं करना है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं हम ड्राइविंग कर लें, देखो भाई इसको लेने के बाद तो चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, साइड इफेक्ट देखा गया, तो ड्राइविंग नहीं करना, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बात की जाए अगर इसके साइड इफेक्ट्स की, अगर किसी को दे दिया तो क्या होगा, देखो भाई इसका देने का यही है कि मुंह सूखेगा थोड़ा बहुत, आदमी का चक्कर आ सकता है, नोजे, वोमिटिंग, डायरिया, उल्टी होंगी, चक्कर आएंगे, दस्त लग सकता है आदमी को, कई बार जो है धुंधलापन दिखता है आँखों में, ऐसा धुंधलापन तक छा जाता है, तो आदमी को ऐसा लगता है वो गिरने वाला, उसको कई लोग इसको लेने के बाद बहुत घबरा जाते हैं, एडमिट तक हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं, और डॉक्टर्स का फ़ायदा भी उठाते हैं। सो खैर, वो बात अलग है। बात करेंगे डोजेस की, तो देखो भाई डोज इसका यही है कि सुबह शाम एक एक गोली लिया जा सकता है, क्योंकि इसका बेसिक डोज मैं आपको बताऊं क्या होता है कि 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। सपोज किसी का वजन 50 किलो है, तो उसको कितना लगेगा,
500 मिलीग्राम, तो जो डीएस की एक टैबलेट होती है वही दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सीबीटी के ऊपर कितना देना है, ठीक है। तो एक दिन में एक ही टैबलेट दिया जाता है वैसे तो, और जो डीएस वाला है और कोई भी क्लोरोक्विन है ना, शुरू के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा डोज दिया जाता है सुबह शाम, और फिर धीरे धीरे इसका डोज को कम किया जाता है, 500 500 सुबह शाम, 500 500 सुबह शाम, और फिर दिन में एक ही बार 250 मिलीग्राम या एक बार 500 मिलीग्राम, इस तरह से इसका डोज होता है। और हमेशा याद रखो, पानी के साथ नहीं देना है, दूध के साथ देना है, दूध के साथ खाना खाने के बाद, खाली पेट कभी भी नहीं देना, कई बार लोग कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी डेथ तक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस इसका थोड़ा सा सेवन विधि, इसको थोड़ा समझ के चलना। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, ये होता है लेरिया को टैबलेट, मैंने आपको दोनों ही कवर करके बता दिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, मोटिवेशन होता है प्लीज़ लाइक करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।